वैसे तो आप सबने घर सोप के बारे में सुना ही होगा। आजकल ये सोप आपको इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इसे ट्राई किया होगा लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स के लिए आज इसे घर पर ही रेडी कर देती हूँ। वैसे अगर आप इसे रेडीमेड लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस सोप में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स की गई है वो हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और सबसे अच्छा ये काम करती है आपकी स्किन के डार्कनेस को हटाने के लिए, आपके फेस से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए, साथ ही साथ डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए और फेस से एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए ये बेस्ट सोप है। और सबसे अच्छी बात है कि इस सोप को आप घर पर बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वैसे रेडीमेड घर सोप में सैंडलवुड, सैफरन, गोट मिल्क और कोकोनट ऑयल का यूज किया गया है। वैसे तो इनमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पर ही मिल जाएंगे, लेकिन शायद मुश्किल हो सकता है गोट मिल्क मिलना। गोट मिल्क इस सोप में इसलिए यूज किया गया है क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि आपकी स्किन को व्हाइटन और ब्राइटन करने का काम करता है। बिल्कुल सेम यही काम आपका कोकोनट मिल्क भी करेगा, स्किन को ब्राइटर और लाइट। कोकोनट मिल्क हमेशा से जाना जाता है स्किन व्हाइटनिंग के लिए, इसीलिए ये स्किन के डार्कनेस को भी दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो आप इसे ऐड जरूर करें। और अगर आपके पास कोकोनट मिल्क भी नहीं है, गोट मिल्क भी है, तो आप नॉर्मल काउ मिल्क भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लैक्टिक एसिड हाई अमाउंट में होता है। साथ में कुछ थ्रेड्स आपको केसर का ले लेना है, सैफरन का आपको कुछ थ्रेड्स ऐड कर देना है और इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह उठकर ये मिल्क आपका रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कोकोनट मिल्क में सैफरन मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके। अब आप ये सोच भी नहीं सकते कि इस कोकोनट मिल्क का जो बेनिफिट्स है वो आपकी स्किन के लिए कितना ज्यादा बढ़ चुका है केसर ऐड होने के बाद। नेक्स्ट आपको कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपको 2 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर ऐड करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सोप सैंडलवुड से ही बनी हुई है। नेक्स्ट आपको इसमें ऐड कर देना है ग्लिसरीन, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो सोप मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो खुद ग्लिसरीन से बना हुआ है। तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, या फिर ग्लिसरीन की जगह विटामिन ई ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ पियर सोप। अगर आपके पास बेबी सोप है, कोई भी बेबी सोप है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पियर सोप को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लूंगी और उसे डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लूंगी। मेल्ट करने के बाद जब ये थोड़ा गर्म रहे तभी इसे आपको इस चीज में मिक्स कर देना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको इसे फ्रिज में रख देना है। जब ये अच्छे से जम जाएगा तो इसे आपको निकाल लेना है। ये सोप बनकर रेडी हो गया है। वैसे आप घर सोप रेडीमेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सुपर्ब है आपके स्किन के। और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने घर पर ही बनाया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।